फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, ये हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक नैनी नेक्स्ट थ्योरी पढ़ने वाले हैं, जो कि है मॉडी गिलेनी मिलर अप्रोच, यानी इसको हम लोग MM थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। इट सपोर्ट NOI अप्रोच। ये किसको सपोर्ट करता है? NOI अप्रोच को, यानी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच जो कहता था, ये भी सेम वही बातें कहता है। ठीक है, मेथोडोलॉजी डिफर्स, लेकिन इसका जो बस मानना है वो अलग है। इट यूजेस आर्बिट्रेज मेथड, और ये कौन से मेथड को यूज़ करता है? आर्बिट्रेज मेथड को यूज़ करता है। ठीक, जैसा कि इसका भी मानना सेम उसकी तरह है, तो इसका अजम्पशन क्या होगा, उससे थोड़ा मिलता जुलता होगा। जैसे इस पे भी किसी भी तरीके का टैक्स नहीं देना होता है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट फॉर बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज एज वेल एज बैंकक्रप्टी कॉस्ट इज नल। ठीक है, देखिए, जो भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट आते हैं सिक्योरिटीज को खरीदने में बेचने में, और बैंकक्रप्टी के कॉस्ट को, वो क्या होता है? निल होता है। देयर इज अ सिमेट्री ऑफ इंफॉर्मेशन। दिस मीन्स दैट एन इन्वेस्टर विल हैव एक्सेस टू सेम इंफॉर्मेशन दैट अ कॉरपोरेट वुड एंड इन्वेस्टर वुड बी हैव रेशनली। ठीक है, इसमें देखिए, सिमेट्री ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब बोला जा रहा है कि इन्वेस्टर के पास वो सारे इंफॉर्मेशन होते हैं जो कि कॉरपोरेट के पास या इन्वेस्टर के पास होते हैं रेशनली। मतलब जितने भी कॉरपोरेट लोग हैं, इन्वेस्टर लोग हैं, दोनों के पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सेम होती है। द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज द सेम फॉर इन्वेस्टर एज वेल एज कंपनीज। चाहे वो इन्वेस्टर खरीदे चाहे वो कंपनी खरीदे, दोनों के लिए जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो सेम ही आने वाला है। डेप्ट फाइनेंसिंग डज नॉट इफेक्ट कंपनीज EBIT। ठीक है, तो जो डेप्ट है, डेप्ट फाइनेंसिंग कंपनी के EBIT को इफेक्ट नहीं करेगी। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो, तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। थैंक यू।